ऑल वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग लियो। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी लियो यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम इसमें देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं एंड टैरो है आपके बारे में 10th ऑफ अगस्त से लेकर 20th ऑफ अगस्त 2022 तक क्या कहते हैं लियो। सो एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर लियो सिंह राशि फॉर 10th ऑफ अगस्त टू 20th ऑफ अगस्त 2022। ओके, लेट्स सी लियो सिंह दैट टैरो आपके बारे में क्या कहता है। मुझे लगता है लियो, आप जिस भी सिचुएशन में डील कर रहे हो ना, आपको पता है उसमें कि क्या सही है और क्या गलत है। द वर्ल्ड, द होममेड, फाइव ऑफ वॉन्स, आपका आउटकम है टेम्परेंस एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 3 major arcanas इन सच अ शॉर्ट रीडिंग लियो। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर फाइव ऑफ वॉन्स। आप जिस भी पार्टनर के कंसर्न में रीडिंग देख रहे हो, मुझे आप हो या आपका पार्टनर हो या उनकी बर्थ ऑफ डेट हो या आपकी बर्थ ऑफ डेट हो या आप अगर मैरिड हैं तो आपके एनिवर्सरी हो या आपका बर्थ नंबर हो या आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, मींस इन शॉर्ट जो है नंबर नाइन मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हुई नज़र आ रही है लियो। So angels, please give me a clarification for five of wands. The Hierophant. Oh my God, back to back. 4 major arcanas. What is wrong with you, Leo? What's going on? Clarify me some more. Please give me a clarification for the Hierophant. The Hierophant. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ लियो, आपको सब पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप मुझे क्रॉस रोड्स पे नजर आ रहे हो लियो एंड बहुत स्ट्रांगली जो भी आप जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, काफी स्ट्रांगली वो मुझे लिब्रा राशि के नजर आ रहे हैं, तुला राशि, एंड लियो, टॉरस, पाइसीज, ये जो 4 राशियाँ हैं। वैसे तो सभी जोडियक साइन के लिए हैं बट ये 4 राशियाँ मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिल रही हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर टेम्परेंस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई मी 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे चीज़ें आपके लिए काफ़ी रुकी हुई नज़र आ रही हैं लियो, चीज़ें आपके लिए ग्रो करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, काफ़ी स्लो प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रहा है एंड आप मुझे क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ है जिसे बोलते हैं ना कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, एक साइकिल का एंड होते हुए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो या कुछ भी, जिस भी कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। या डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन मिल रही है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे क्रॉस रोड्स पे नज़र आ रहे हैं, यू डोंट नो विच पाथ यू हैव टू चूज, आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या पाथ आपको चूज करना चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है लियो। एंड जिस भी पार्टनर के आप कंसर्न में रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत स्ट्रांग वाइब्स हैं बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड। बहुत ही सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आपके आए हैं एंड डेफिनेटली बहुत ही हर्ट में हैं आप, बहुत ही पेन में हैं आप, कोई ट्रॉमा है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इन प्रेजेंट सिचुएशन, अपनी हीलिंग प्रोग्रेस पर, अपनी हीलिंग पर, कि चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस करें। बट एक हैंगमैन की जो वाइब्स है वो मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी मिल रही है। डेफिनेटली ये हमारी एक लव रीडिंग ही निकल के आई है एंड मुझे 2 नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिल रहा है लियो। हो सकता है 2 नंबर भी, 2 डेट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करती हुई मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में कुछ आपके लिए एंड हो गया है, कुछ या तो ब्रेकअप हुआ है या समथिंग, कोई
साइकिल आपकी एंड हुई है पास्ट में एंड करंट में आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, बट स्टिल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्रॉस रोड्स पे हैं, विच थिंग टू चूज, विच पार्टनर टू चूज या विच पाथ टू चूज, या अगर आप करियर के कंसर्न में देख रहे हैं। वैसे तो एक लव रीडिंग ही मुझे मोस्टली नज़र आ रही है, तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट है या कुछ है तो कौन सा आपको बेटरली सर्व कर रहा है, आप मुझे थोड़े सोच विचार में नज़र आ रहे हैं लियो। एंड स्लीपलेस नाइट्स मैं देख पा रही हूँ, मेंटली काफ़ी आप स्ट्रेस में हैं एंड आगे भी, मतलब वैसे तो ये 10 डेज़ की रीडिंग है बट उसमें मैं यही देख पा रही हूँ कि आप अभी कुछ डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं एंड मेंटली आप काफ़ी लड़ रहे हैं, काफ़ी सोच विचार चालू है आपका, रातों की नींद आपकी ख़त्म है एंड आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप वे आउट ढूंढ रहे हैं बट अभी आपको करंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी लियो, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको मोनोलॉजी के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बोलूँगी आपको हीलिंग की नीड है, वैसे तो आप मुझे अपनी हीलिंग पे वर्क करते नज़र आ रहे हैं बट स्टिल थोड़ा सेल्फ लव ट्राई कीजिए जिससे आप पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर सकें सो दैट पॉजिटिवली चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा हों। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर लियो। सिंह राशि 10th of August to 20th of August 2022. Meditate and contemplate. See, मैं आपको क्या बोल रही थी लियो कि आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है एंड हियर इट इज, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करेंगे तो आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं एंड जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपके एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको देने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है जब हम मेडिटेट करते हैं हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाते हैं, हम अपने पॉजिटिव साइड से जुड़ पाते हैं, अपने आप का ही अपग्रेडेड एंड अपडेटेड वर्जन बन पाते हैं। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लियो सिंह राशि 10th ऑफ ऑगस्ट टू 20th ऑफ ऑगस्ट 2022। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आपको बोल रही हूँ मुझे आपकी रीडिंग में हैंगमैन की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग मिल रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली जो आपकी सिचुएशन है उसमें सुधार आएगा बट थोड़ा समय लग सकता है। एंड सी हमारा बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैं भी आपको क्या बोल रही थी कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकें सो दैट आपके एंजल्स, जो हमारा एंजल डेक है वो भी आपको यही बोल रहा है, जो हमारी एंजल्स हैं आपको मेडिटेट करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकें एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें सो दैट जो आप अपने एंजल्स एंड यूनिवर्स से पूछना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, या मुझे क्या करना चाहिए, विच वे टू गो, विच पाथ टू चूज, उसके आंसर्स आप पा सकें, दैट वॉट इज सर्विंग यू एंड वॉट इज नॉट सर्विंग यू लियो। तो आइए देखते हैं एंजल्स क्या लव मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लव मैसेजेस फॉर लियो सिंह राशि 10th ऑफ ऑगस्ट टू 20th ऑफ ऑगस्ट 2022। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपके एंजल्स आपको एफर्ट्स डालने के लिए बोल रहे हैं, जो आपको मेडिटेट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वट एवर यू आर अफर्मिंग, उसमें आपको थोड़े और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, थोड़े और जिसे बोलते हैं ना मेहनत करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट और एफर्ट्स की आपको ज़रूरत है। सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स लियो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।